जी बिल्कुल, कमेटी की जानिब से गौर व फिक्र किया गया। नाम कमेटी के सामने थे जिसमें जस्टिस मुनीब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और इसके साथ जस्टिस याहिया थे। जस्टिस याहिया का पहले सुनने में भी आ रहा था और ज्यादातर चांसेस उनके थे क्योंकि ये गैर मतनाजा जज थे और मेजोरिटी में इन्हीं का सामने आ रहा था। तो कमेटी की जानिब से इन्हीं के नाम पे गौर किया गया कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए जो गैर मतनाजे हो। तो इस पे तमाम जो कमेटी है उनके कंसेंसिस हुए और तकरीबन दो तहाई से इस नाम को जो मंजूर किया गया है। और जब कमेटी खत्म हुई तो आजम नजीर तारर बाहर आए, उन्होंने आकर ऐलान किया कि कमेटी ने सोच विचार के बाद और तमाम पॉइंट से गौर फिक्र के बाद फैसला किया है कि अगले चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान याहिया अफरीदी होंगे और इस नाम की सिफारिश जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी जाएगी। हमने देखा कि बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही थी और खासतौर पर कहा जा रहा था कि जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत ही ऐसी क्रासा रैलियां जो थी वो देखने में आ रही थी, लेकिन क्योंकि हतमी फैसला कमेटी ने करना था और ये कमेटी जो थी पार्लियामान की खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी जजिस के हवाले से और आईनी तरमीम के बाद इस कमेटी को पूरा इख्तियार था कि वो जजिस के नाम जो है उन पर कंसेंसिस करे और एक जज जो है वो तैनात करें। तो अब जस्टिस याहिया का नाम जो है वो सामने आ गया है और नए चीफ जस्टिस जो है वो याहिया खान अफरीदी होंगे। अब 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस साजी फाइज ईसा अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेंगे और नए चीफ जस्टिस जो है वो याहिया खान अफरीदी होंगे। जी आयशा नाज, पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस का नाम नामजद हो चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां कब से संभालेंगे, कितना वक्त लगेगा इस तमाम तर प्रोसेस में? जी बिल्कुल, इनका नोटिफिकेशन जो है वो सदर के पास जब समरी जाएगी, सदर मंजूरी देंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसे कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा, चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है वो 25 तारीख को अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं, तो उसके फौरी बाद जो है नए चीफ जस्टिस हल्क उठा लेंगे और अदलिया के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि जो कमेटी के इजलास थे इसमें तकरीबन 12 अरकीन थे इसके, और जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी काउंसिल के अरकीन ने इसके साथ बायकॉट कर दिया था। इनको मनाने के लिए भी आज कोशिशें जारी की और इसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अपना किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो असद कैसर हैं उनको कॉल की और उनसे कहा कि बहुत अहम मामला है तैनाती का, तो आपको इस कमेटी में शरीक होना चाहिए, दरखास्त भी दी गई। लेकिन चूंकि वैसे बहुत सा कहना था क्योंकि ये हमारी पार्टी का फैसला है इसलिए हम इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा चीफ जस्टिस की तैनाती के पर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बायकॉट किया, जिसके बाद कमेटी के 9 अरकीन इस कमेटी में शामिल थे और दो तहाई अक्सरियत से फैसला किया गया है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस याहिया खान होंगे।